पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है, चाहे सही दिखे गलत दिखे, वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर बेस है, कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जिस जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो वो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं, वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है। और मोदी की पॉपुलैरिटी है, ये तीनों चीज, उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये तीन चीज ही है। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है, और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है, प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। Which way is the Mathua community going, Prashant? मथुआ विल बी प्रीडोमिनेटली वोटिंग फॉर बीजेपी, नॉट एज यूनाइटेडली एज दे डिड इन लोकसभा, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ विल 75 बीजेपी, 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है।